2019 में भारत की आपकी यात्रा के दौरान हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के जल्द उद्घाटन पर सहमत हुए। मुझे खुशी है हमारी संयुक्त कोशिशों से हमारे बायलेटरल प्रोजेक्ट्स प्रगति कर रहे हैं और आज हम मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के संयुक्त उद्घाटन में भाग ले रहे हैं। एक्सलेंसी, भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक हैं। ये पीपल टू पीपल संबंध हमारे बायलेटरल रिलेशंस का आधार है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर अभूतपूर्व नजदीकी आई है और नियमित संपर्क रहा है। पिछले 1.5 वर्षों में मेरे मित्र प्रधानमंत्री ओली जी और मैं 4 बार मिल चुके। इन मुलाकातों से आपसी विश्वास पक्का हुआ है और परस्पर हित के आधार पर हमारी साझेदारी मजबूत। विकास के लिए हमारी साझेदारी को और सक्रिय बनाने और नए नए क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने के लिए हमने नए अवसरों का लाभ भी उठाया। हमारे संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य है कि हमारे लोगों को लाभ मिले, का विकास हो और इसलिए परियोजनाओं का समय से पूरा होना हमारी दोनों सरकारों की प्राथमिकता। पिछले 5 वर्षों में हमने महत्वपूर्ण द्विपक्षीय परियोजनाओं को पूरा किया है और कई अन्य इनिशिएटिव्स के परिणाम जल्दी प्राप्त किए। पिछले साल हमने संयुक्त रूप से पशुपतिनाथ धर्मशाला और आईसीपी वीरगंज का उद्घाटन किया। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग भी पिछले साल हुई थी। यह बहुत संतोष का विषय है कि दक्षिण एशिया की यह पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन रिकॉर्ड समय में पूरी हुई। इतनी अपेक्षा थी उससे एक प्रकार से आधे समय में ये बनकर तैयार हुई। इसका श्रेय आपके नेतृत्व को, नेपाल सरकार के सहयोग को और हमारे संयुक्त प्रयासों को जाता है। इस पाइपलाइन से हर साल 2 मिलियन मैट्रिक 3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एफोर्डेबल रेट्स पर नेपाल के सामान्य लोगों को। मेरे लिए खुशी है आज आपने पाइपलाइन के उद्घाटन के साथ ही से जो आर्थिक रूप से बचत होने वाली है वो आपने नेपाल के नागरिकों की तरफ को समर्पित कर दिया और वहाँ दाम बढ़ा कम करने की योजना भी घोषित कर दी। यानी एक प्रकार से ये काम नेपाल के सामान्य नागरिक की भलाई के लिए हुआ है। देश आज आपने बड़ी सरलता से दे दी। नेपाल के लोगों की भलाई के इस काम में हमें भी साक्षी बनने का मौका मिला, भागीदार बनने का मौका मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ा संतोष होता है। एक्सलेंसी, 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद जब नेपाल के पुनर्निर्माण का बेड़ा उठाया, भारत ने पड़ोसी और निकट मित्र के नाते अपना हाथ सहयोग के लिए आगे बढ़ाया। मुझे बहुत खुशी है नेपाल के गोरखा और नोवाकोट जिलों में हमारी आपसी सहयोग से फिर से घर बसे हैं। जैसा आपने इस बात का बहुत ही गर्व के साथ देख किया करी हूं, इसके कारण आम लोगों के सिर पर फिर से छत आई है। आशा करता हूं इस प्रोजेक्ट का आपके साथ लोकार्पण करने का भाग्य भी बहुत ही जल्द मुझे मिलेगा। अपनी साझेदारी को
और बढ़ाने के लिए एक एम्बिशियस एजेंडा निर्धारित। मुझे खुशी है कि हम अपने सहयोग के सभी क्षेत्रों में संतोषजनक रूप से प्रगति कर। हमारे विदेश मंत्रियों ने काठमांडू में मुलाकात में आपसी सहयोग के क्षेत्रों में प्रगति का जायजा हाल ही में लिया था। उम्मीद है कि हम अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा विविध क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक विकास की प्रायोरिटीज के अनुसार के विकास में सहयोग के लिए भारत के कमिटमेंट को मैं आज एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए और वीडियो लिंक के जरिए जुड़ने के लिए समय निकाला, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा आपके उत्तम स्वास्थ्य, भूतपूर्व सक्रियता और भारत नेपाल के संबंधों को जोड़ने के लिए हर प्रकार से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। आपने मुझे फिर एक बार वहां आने के लिए निमंत्रण दिया है, मैं बिल्कुल बात को बहुत महत्व मानता हूं। मेरी भी बड़ी इच्छा रहती है आपके बीच आना, गोद में आना। बहुत ही जल्द आपके पास आने का प्रयास करूंगा। आपका गहरे गहरे धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्सेलेंसी, दिस कंक्लूड्स द इनॉग्रेशन सेरेमनी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।